नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएन लाइव और मैं कैलाश कश्यप फिर आपके सामने एक बार मुखातिब हूं। आज हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि जैसे कि हमारे ग्रंथों में कहा गया है कि पाप की गठरी बहुत ज़्यादा दिनों तक नहीं रहती है, वो कभी ना कभी वो मटकी फूटती है, और कुछ ऐसा ही हुआ है सिवान नगर परिषद में, जो 2011 से लेकर के 14 तक जो सिवान नगर परिषद में भ्रष्टाचार की जो गंगा बही, आज अंततः उसकी जो उसे जिस अंजाम तक जाना चाहिए था वो शायद चला गया। आज कई लोगों पे लगभग 14 जो अभियुक्त हैं उसमें 14ों पे आपको बता दें कि कल निगरानी विभाग ने उन पर नामजद चार्जशीट दाखिल कर दिया है, और उसमें जो नाम सबसे बड़े दो नाम हैं वो आपको बता दूं कि दो नामों में से एक नाम है उस समय की तत्कालीन नगर पार्षद अध्यक्ष, नगर परिषद की जो अध्यक्ष अनुराधा गुप्ता, और दूसरा नाम है उसी समय के तत्कालीन एग्जीक्यूटिव अफसर कार्यपालक पदाधिकारी राजीव रंजन प्रकाश। ये लगभग चार करोड़ का ये मामला है। उस समय घोटाला में कई मामले आए थे, कई जो सामान खरीदे गए थे नगर परिषद ने जो खरीदा था, और उसमें लगभग 3.87 करोड़ के वो आंकड़े हैं। ये इतने बड़े पैमाने पे उस समय घोटाला हुआ था, और ये मामला चला गया था कोर्ट में, और कोर्ट ने कल उस मामले पर सारे अभियुक्तों को चार्जशीटेड कर दिया है। हम इस मामले को लेकर के उस समय के नगर पार्षद रहे इंतखाब अहमद, जो कि लगातार आपको बता दें कि नगर परिषद में जितने घोटाले या उस समय के हुए हों या फिर उसके बाद आज 2000 तक जो भ्रष्टाचार की जो गंगा बह रही है नगर परिषद में, वो रुकने का तो नाम नहीं ले रही है। हालांकि अगर ये बड़े नाम जो आज आए हैं, चार्जशीटेड हुए हैं, अगर ये कल सलाखों के पीछे चले जाते हैं तो हो सकता है कि और जो चेहरे हैं जो भ्रष्टाचार की गंगा में जो हाथ धो रहे हैं उनको कुछ सीख मिल जाए। हो सकता है कि कहीं उनके कदम रुक जाएं, उनके हाथ रुक जाए। तो हम इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के कि क्या क्या मामला था, किस किस मुद्दे पे कहाँ कहाँ घोटाला हुआ, विस्तार से जानने के लिए हम लोग पहुँचे हुए हैं वार्ड पूर्व उस समय के वार्ड पार्षद इंतखाब अहमद के पास। इंतखाब जी, बताइए ये आखिर ये मामला कोर्ट तक गया और आज चार्जशीट की नौबत आ गई। अब ये दो नाम जो बड़े नाम हैं उस समय के, अनुराधा गुप्ता और राजीव रंजन प्रकाश, इन दोनों पे आखिरकार चार्जशीट हो गया, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि पूरा मामला क्या था। देखिए कैलाश जी, जहाँ तक भ्रष्टाचार के उठाने के सवाल हैं जो लगे रहते हैं, जो करते हैं, इसमें मेरा के साथ साथ आपका भी बहुत बड़ा सहयोग रहा है। हमेशा आपने नगर परिषद का हमेशा बारीकी से ध्यान रखा है, आपने इसको उठाया भी है और जनता में इसका अच्छा मैसेज भी है। आप लोग उठाने की वजह से जनता को कहिए, हम लोग को कहिए, हिम्मत मिलता है, हम लोग इस मामले में लगते हैं। हम लोग ये मामला 2016 में 6 जनवरी को 2016 17 में इस पर FIR दर्ज होता है। ये मामला था लगभग 11 करोड़ 32 लाख रुपये का डस्टबिन, आपको LED लाइट घोटाला था, इसमें सोलर लाइट था, हाई मास्क था, गार्बेज रिक्शा था, इन सब का खरीदारी हुआ करीब 11 करोड़ 32 लाख में। और उस वक्त ये और भी चीज़ें थे इसमें, जिसका जांच हम लोगों ने लिखित DM को, सरकार को हम लोगों ने किया इस पर, उस वक्त के जिला पदाधिकारी महोदय ने इसको जांच कराया। जांच कराने के बाद इन्होंने करीब 3.87 करोड़ रुपये का मोटा मोटी ये मिला के इसमें का वित्तीय अनियमितता किया गया है, बंदरबाट किया गया उस समय मोटा मोटी जी। अभी इसको जांच, उसके बाद जो 3.87 करोड़ का मामला आने के बाद इस केस को सरकार ने, नगर विकास आवास विभाग ने इसको निगरानी को केस को ट्रांसफ़र कर दिया कि इसको अब विधिवत निगरानी इसको जांच करे। तो निगरानी ने जब जांच इसका शुरू किया तो अभी एक दो बार तो निगरानी यहाँ सीमान में आई तो कागज़ पत्र ले गई। जब कागज़ पत्र ले गई या कागज़ से जब प्रमाणित पाया उसने कि 3.87 करोड़ जो जिला पदाधिकारी का रिपोर्ट था इस पर वो सही साबित है, तो जब साबित ये रिपोर्ट हो गया तो इस पर उस समय के जो अध्यक्ष थे, तत्कालीन अध्यक्ष
नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी श्री राजीव रंजन प्रकाश, उसके बाद से सशक्त स्थायी समिति, जो लोग ठेकेदार थे इसके, उन लोगों पर केस को एफआईआर किया गया। 14 लोगों पर लगभग एफआईआर दर्ज किया गया, जो दर्ज करने के बाद 12 लोगों पर चार्जशीट पहले हो चुका था। दो आदमी जो राजीव रंजन प्रकाश एक बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के अफसर थे, अनुराधा देवी जो अभी पार्षद हैं, तो किसी भी पार्षद पर, किसी भी जनप्रतिनिधि पर, अफसर पर चार्जशीट करने के लिए सरकार से परमिशन लेना पड़ता है। इसलिए जन सेवक लोक सेवक में आते हैं ये लोग, तो इनसे परमिशन मिलने के बाद तब निगरानी ने इन पर चार्जशीट फाइल किया है। और इन पर जब चार्जशीट फाइल हो गया तो मतलब प्रथम दृष्टया पुलिस ने इनको मान लिया ये लोग दोषी हैं। तो अब ये बता दीजिए कि जो इन लोगों के साथ जो और नाम हैं, जरा हम विस्तार से जानना चाहेंगे, क्योंकि बहती गंगा में तो सभी ने हाथ धोया है, तो ये जो बड़े बड़े नाम हैं ये कम से कम जनता के सामने आने चाहिए कि ये इतने जनता ने जिन नुमाइंदों को अपने भलाई के लिए चुन के भेजा था वो किस तरह से वहाँ बहती गंगा में हाथ धोए और अपना उल्लू सीधा किए। जरा उन नामों को भी चर्चा कर दीजिए कि वो कौन कौन लोग थे। देखिए, सबसे पहले इसमें नाम तो कार्यपालक पदाधिकारी राजीव रंजन प्रकाश थे, उस वक्त जो अफसर थे। उसके बाद 2011 से 12 में चेयरमैन पहले चेयरमैन थी अनुराधा गुप्ता, इनका नाम था। 12 के बाद भी ये घोटाला हुआ, 15 तक 16 तक। अरे घोटाला तो ये 20 तक अभी चल रहा है, तो है ही। 6 करोड़ की जमीन खरीदी गई, कहाँ है वो जमीन पता नहीं है। तो ऐसे बहुत से भी मामले हैं, आप उस समय के बता दीजिए कि उस समय क्या कौन कौन लोग थे, वो महानुभव, वो शक्ति कौन थी जो बहती गंगा में हाथ धोई है। देखिए, अनुराधा जी का नाम तो बता ही दिया आपको, अनुराधा जी एक नंबर वहाँ थी अभी 11 से। उसके बाद बबलू चौहान थे उस वक्त के तत्कालीन अध्यक्ष जी, उनका भी इसमें नाम है। उस वक्त के तत्कालीन उपाध्यक्ष जो करणजीत सिंह उर्फ ब्यास सिंह, अभी वो निवर्तमान विधायक हैं दरौदा विधानसभा से, वो भी इनमें इसमें हैं, उनको भी चार्जशीट हो चुका है। और उस वक्त के जो 5 सशक्त स्थायी समिति के सदस्य थे उन लोगों का इसमें भी नाम इसमें है। तो उनके नाम को भी जरा सामने कर देते, कम से कम सिवान की जनता देख तो लेती, क्योंकि ये पुराना मामला। असल में देखिए दिक्कत क्या है कि भारत के लोगों को और भारत के लोगों के साथ साथ सिवान के लोगों को भूलने की बड़ी आदत है। लोग भूल जाते हैं क्रियाकलाप को कि फलाना ने उस समय क्या क्या किया था। जरा वो नाम भी आ जाए तो कम से कम वो पुरानी यादें ताज़ा हो जाए। अरे 32 नंबर वार्ड के पार्षद मोनू थे अविनाश कुमार सिंह, रानू थे अभिषेक, ये रानू 17 नंबर वार्ड के पूर्व पार्षद रानू थे जी। हमारे खालिद मोहम्मद खालिद थे 28 नंबर वार्ड के पार्षद, हमारे स्वर्गीय श्रीकांत भाई की पत्नी थी सुनीता देवी थी, पवन भाई की पत्नी थी। ये सारे लोग सशक्त कमेटी के थे, पहले सशक्त कमेटी में थे ये लोग। ये लोग तो इसलिए उनका भी नाम उसमें शामिल है, इसलिए कि इन लोगों ने टेंडर खोला था जी। टेंडर इन लोगों ने ही खोला था, जब खोलना चाहिए था टेंडर, मतलब कि नियम है कि 25 लाख 50 लाख नगर परिषद को अधिकार है कि 50 लाख के नीचे तक टेंडर इनको खोल सकता है। इस वक्त जी, उस वक्त 25 ही लाख था। तो ये लोग 11.5 करोड़ का टेंडर खुद ही खोल दिया, जबकि इसको खोलना चाहिए था डीएम साहब के कार्यालय में, डीएम साहब को अध्यक्षता वाले कमेटी के सामने, लेकिन इन लोगों ने खुद ही खोल दिया और खोल कर इसको जिसको चाहा उसको टेंडर दे दिया। अब मनमाना इस पर लूटपाट हुआ, कोई इस पर कंप्लेन कोई सुनवाई नहीं। तो ये लूटपाट तो आज भी जारी है, 20 तक हम आ गए, 16 से लेकर 4 साल बीत गया, अभी भी कई मामले आ गए हैं सामने इन 4 सालों में। तो ये लूट का सिलसिला ऐसे ही चलते रहेगा नगर परिषद में, या ये कहीं जाके रुकेगा, या कहीं ये लोग इंतजार कर रहे हैं कि जो बड़े नाम आए हैं, अब जो 14 नाम आ गए हैं, 4 सीटेड हुआ है, तो अब थोड़ा सा ये भी बता दीजिए कि इसके बाद क्या कार्रवाई हो सकती है। अगर चार्जशीट हो गया तो क्या इन लोगों की, ये बड़े बड़े नाम जो हैं, क्या इनकी गिरफ्तारी भी संभव है? देखिए, इसमें जितने लोग का नाम आया है जिन पर चार्जशीट हुई है, ये सब लोग बेल पर हैं। अब चार्जशीट होने का मतलब केस अब खुलेगा, अगर अनुसंधान इसको आयु जितना भी कर लिया, मतलब चार्जशीट दायर कर दिया, वो अब केस इस पोजिशन में आगे चार्जशीट के बाद से मतलब केस का ट्रायल होता है, अब ट्रायल में आ जाएगा, अब गवाह वाह स्टार्ट होगा इस पर। और जब जाहिर गवाह स्टार्ट होगा, जो दोषी होगा उस पर सजा होगी, जो दोषी नहीं होगा निर्दोष होगा बरी होगा इसमें। और जहाँ तक और भी भ्रष्टाचार का जो सवाल नगर परिषद का, इसके लिए कहा जी आप बेफिक्र रहिए, कोई भ्रष्टाचारी चाहे कितना बड़ा क्यों ना हो वो बचेगा नहीं, चाहे बाकी सब लोग मान जाएं लेकिन हम मानने वाले नहीं हैं। उसका 2 साल नहीं 4 साल बाद उसको फिर यही हाल पर ला के छोड़ेंगे। चलिए, आपने देखा कि इंतखाब ने साफ शब्दों में कह दिया कि जो लड़ाई
पिछले 10 सालों से जो उन्होंने शुरू की थी वो लड़ाई आज भी आगे भी जारी रहेगी। और एक एक छोटा सा संदेश दिया कि जो भ्रष्टाचारी हैं उन्हें उनकी पाप की सजा जरूर मिलेगी।